दोस्तों, क्या आप भी अपने फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको अपने फेसबुक पेज को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है अपने फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए, सबसे पहला काम आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से कर लिया अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो साइड में थ्री डॉट का बटन दिख रहा है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, आपको जिस भी पेज को डिलीट करना है यहाँ पर आप साइड में क्लिक करके यहाँ से अपने उस पेज को कर लेना सिलेक्ट। तो दोस्तों, मैंने इस प्रोफाइल से दो पेजेस बना रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको इस पेज को डिलीट करके दिखाऊंगा। तो मैं कर देता हूं इस पर क्लिक। तो दोस्तों, आप लोग भी जिस पेज को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना। अब दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा पेज है यहां पर लॉगिन हो रहा है। अब दोस्तों, जैसे ही हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा, अब यहां पर आपको करना क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर दोस्तों, आपको जो साइड में थ्री डॉट का बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको इस पेज को डिलीट करने के लिए ये जो ऊपर साइड में यहाँ पर साइड में ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, या फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, आपको इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों, आप इन दोनों सेटिंग में से किसी भी सेटिंग का यूज करके आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो पेज का सेटिंग होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज, और यहाँ पर आपके पेज का नेम लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है पेज सेटिंग। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसी पेज सेटिंग पर कर देना है क्लिक। अब जैसे दोस्तों आप इस पेज सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों, जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस एंड कंट्रोल। अब दोस्तों, यहाँ पर नीचे साइड में आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है मैनेज योर डाटा, मॉडिफाई योर लेगेसी कंटेंट, डिलीट योर पेज एंड मोर। दोस्तों, आपको क्या करना है अपने पेज को डिलीट करने के लिए, आपको इसी एक्सेस एंड कंट्रोल पर करना होगा क्लिक। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक्सेस एंड कंट्रोल पर क्लिक किया, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा डीएक्टिवेट पेज एंड सेकंड आएगा डिलीट पेज। तो आपको क्या करना है, अपने पेज को डिलीट करना है तो यहाँ पर सेकंड वाले पर इसको टिक करके यहाँ से कर देना कंटिन्यू। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको फेसबुक को एक रीजन देना होगा कि मैं इस रीजन की वजह से अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पहले नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पर टिक करके इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है परमानेंटली डिलीट पेज का ऑप्शन आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने अपने फेसबुक पेज पर कुछ पोस्ट या फिर कुछ रील्स वीडियो ऐसी डाल रखी है जो इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वो नहीं चाहिए तो यहाँ से स्किप कर देना। अगर दोस्तों आपको डाउनलोड करना है, ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ से कर देना स्किप एंड कंटिन्यू पर कर देना क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने परमानेंटली डिलीटेड पेज का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल का लोगो आ गया है, एंड यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो इंटर पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको जो है अपने प्रोफाइल में जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना पासवर्ड, एंड यहाँ पर जो है पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा यहाँ पर लिख करके आ जाएगा डिलीट शिवानी सिंह पेज एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पेज होगा वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंटिन्यू पर क्लिक। अब दोस्तों जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ डिलीट दिस पेज, एंड यहाँ पर डिलीट पेज लिखा हुआ, तो आपको इसी डिलीट पेज पर कर देना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है ये जो आपका पेज होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा और ये जो पेज है आपका वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक पेज को अब मोबाइल फ़ोन से ही डिलीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।